हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल बताऊंगी। और ये ऐसा केस है जिसमें m इज लेस देन n, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है। पहले के दो वीडियोस में मैंने दूसरे एग्जांपल्स बताए थे, अब आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस। अब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमें इस n का मतलब जो सेकंड नंबर है उसका क्या लेना होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो हम क्या करेंगे, 1 0 0 1 1, ये है हमारा n। तो इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सभी बिट्स को इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 और 1 का 0, ये तो आया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 0 प्लस 1 1, 0 1 1 0, तो ये आ गया हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमें m और इस 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। तो m है 1 0 0 1 0 और इस 2's कॉम्प्लीमेंट को हमें ऐड करना है, तो 0 1 1 0 1, इन्हें हमें ऐड करना है। तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 प्लस 0 1। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। अगर कैरी होती स्टेप 3 में, अगर कैरी होती है तो हमें इसका मतलब क्या होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है और हमें कैरी को डिस्कार्ड करना है। और अगर कैरी नहीं है तो हमें क्या करना है, इस रिजल्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इस रिजल्ट का हमें क्या लेना है, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1 1 1 1 1, तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लें। तो 0 0 0 0 0, ये 1's कॉम्प्लीमेंट आया। इसमें अब हम प्लस 1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 0 0 1, ये मिल गया हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब जब कोई कैरी नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या आया है कि रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, तो हमें माइनस साइन यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये है हमारा आंसर, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हैं।